एसएसपी खन्ना की ओर से नशों के विरुद्ध चलाई गई मुहिम के तहत आज खन्ना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। फैक्ट्रियों में चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। डीएसपी राजेंद्र परमिंदर सिंह ने पत्रकारों से की वार्ता। पत्रकारों से वार्ता करते हुए राजेंद्र परमिंदर सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले गांव कोड़ी में एक फैक्ट्री में चोरी हुई थी, जिसमें प्लेटें और गद्दों को चुराया गया था। उसी गिरोह के लोगों को आज नाका लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी सर गुरशरणदीप सिंह गरेवाल दी हदायतों के मुताबिक मारे अनसरां के खिलाफ खन्ना पुलिस वालों एक मुहिम शुरू की गई किसी काफ़ी समय तो वो तहत सानू कल एक वड्डी प्राप्ति मिली। इंस्पैक्टर सरबजीत सिंह की अगवाई नाका लग्या सीगा। साढ़े 21 तरीक नूं एक इत्थे फैक्ट्री सी रब स्टील इंडस्ट्री, उहदे च रात नूं 10-15 बंदिआं ने आ के जबरदस्ती दाखिल हो के प्लेटां जिहड़ियां चोरी कर लईआं सीगा। उहदे संबंध साडा 145 नंबर केस रजिस्टर सी थाणे सदर च। उहदे च असीं कल एक कैंटर 7 उहदे मुलजम उहनां को 2 लाख रुपया नगद प्लस एक कृपान ते एक नलके दी रड़ बरामद की है। 7 बंदिआं नूं रिश पा के अज्ज कोर्ट च पेश किया। इन्हां दा पुलिस रिमांड लिया ते इहदे च फरदर इनवैसटिगेशन जारी है। बाकी जो मुलजम हैगे उहनां नूं जल्दी गिरफ्तार कीता जाऊगा। साढ़े इतने फैक्ट्री सी जाती जबरदस्ती दाखिल होकर 15 बंद ने कैंटर से आए थे। उन्होंने जिन्हें प्लेटा सी लोहे शटरिंग वाली वो चोरी कर लिया सियाँ। इन्हों के खिलाफ ऑलरेडी पहले होर भी केसिस है जो जो हूँ तक इन्वेस्टिगेशन लगे वो एक बंदा अच्छी फड़िया बंटी और खिलाफ 4 किलो का फीम का दर पता दर्ज है दुराहे थाने। तो 2 मुलजम होर आ गया जिन्हों के खिलाफ चोरी के पहला केस रजिस्टर है। बाकी अंदर असं रिकॉर्ड चैक कर रहे हैं। ये बेसिकली सारे बंदे बिलोंग करते अदर स्टेट न पर ढंडारी कल किराए पर रह रहे हैं। कोई एक दो इतने परमानेंट घर भी है। इन्होंने पहला भी वारदात है। इन्हों के लुधियाने भी असं लुधियाने तो भी रिकॉर्ड चैक कर रहे हैं। जिन्ना कर इनिशियल स्टेज पर पता लग्या इन्हों एक बंद के खिलाफ 4 किलो का अफीम का पर्चा दर्ज है दराए थाने। बाकी के खिलाफ टुटा खुआ के परचे लियाने दर्ज है। इन्हों को असी अपना जो समान इन्होंने वेचा सी 2 लाख रुपया नकदी रिकवर की है। बाकी इन्होंने को कृपान है एक कैंटर है। हाँ जी किए इन्हों की उम्र हैगी सर 2-3 बंदे 40-45 साल के है बाकी 25 साल के है। बस यही अपना एक मतलब मजदूरी टाइप करते हैं। कोई इन्हों का पर्सनल बिजनेस है नहीं गा। इन्हों के खिलाफ ऑलरेडी पहले भी केस मामला सामने पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। असं रिकॉर्ड चैक कर रहे हैं।